हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज के हमारे क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। मैथमेटिक्स का कोर्स हमारा थोड़ा डिले है, आप लोग का बहुत शिकायत है, अब तेज़ी से होगा। कुछ टेक्निकल इशू थे, आप खुद देख रहे होंगे कि देखिए मैं आप लोगों के लिए जो सुविधा बढ़ाया, पहले हम क्वेश्चन को लिख नहीं पाते थे बोर्ड में, या लिखने में टाइम लगता था, या हिंदी में ही लिखते थे या इंग्लिश में ही लिखते थे। अब हमने मैथमेटिक्स को कंप्लीट बाइलिंगुअल, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोनों मीडियम में। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन आप यहाँ से रीड कर सकोगे आसानी से, क्वेश्चन को आप पढ़ते वक्त लिख भी सकोगे, दोनों लैंग्वेज वाले आसानी से उसको समझ सकेंगे। तो टेंजेंट और नॉर्मल्स का हमारा जो क्लास चल रहा है, उस क्लास में हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं और आगे हम उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो मेरा क्लास है स्पेशली स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन है, मतलब इसमें टेंजेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, IIT JEE में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ध्यान से आज का क्वेश्चन करेंगे, आप सभी क्वेश्चन मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा ये आपको दिख रहा है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। y बराबर के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर, यहां पर प्रिंट होना भूल गया, x एक्सिस है ना, जहां पर x अक्ष को काटती है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में सही लिखा है, x अक्ष को काटती है, वो एज एट का मतलब नहीं यहां पर, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ये इक्वेशन है, ये वक्र का इक्वेशन है, y इक्वल टू x माइनस 7 अपान x माइनस 2, ये क्या है, वक्र का समीकरण है। उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए, किन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर, मतलब हमको बिंदु फाइंड करना पड़ेगा जहां वह x अक्ष को काटती है। x अक्ष को काटती है मतलब आपको मालूम है x अक्ष को काटने का मतलब होता है y इक्वल टू जीरो, ये आप पहले से ध्यान रखना। जहां पर हम x अक्ष को काटते हैं y इक्वल टू जीरो होता है, और जहां पर y अक्ष को काटते हैं x इक्वल टू जीरो होता है। टेंजेंट स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वह कैलकुलस का ज्योमेट्री के साथ एप्लीकेशन है, और आप ये समझ लो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स जो होता है वो डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमको उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं, अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमको निकालना है, दैट मीन्स y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अंडर ब्रैकेट x माइनस x1 हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले, आप ध्यान रखना, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। तो देखो चूंकि अपने पास ये है, चूंकि y इक्वल x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dy वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट, देयर फॉर dy वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, आप ये करें, या इसको हम dy वाई बाई डी एक्स करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। कई तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करेंगे। तो ये मैं सबसे पहले नीचे को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दैट इम्प्लाइज y इक्वल x माइनस 7 अपॉन, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दैट इम्प्लाइज y इक्वल x माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर। नाउ डिफ्रेंशिएट, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा अपने को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यह डिवीजन वाला अपन फार्मूला यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या, हर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये होगा, और अपान में हो जाएगा इसके
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, ये हमने डिवीजन वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, क्लियर। इसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा एक्स का, ये जीरो हो गया, माइनस एक्स माइनस सेवन और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ये टू एक्स माइनस फाइव, वो जीरो हो गया, और अपान एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर आपको? अब यहाँ पर आप देखो कि हमको बोला है कि x अक्ष को काटती है, मैंने यहाँ पर आपको लिखा है x अक्ष को काटती है, इसलिए y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं, देखो चूंकि चूंकि रेखा क्या है, y एक्सिस को काटती है, x एक्सिस को काटती है, x एक्सिस को कट करती है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो, मतलब dy बाई डी एक्स इज आल्सो जीरो, dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको तो रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दो, पहले आप इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दो, तो y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर जब y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन को देखो, यहां पर इस इक्वेशन से यदि मैं y इक्वल टू जीरो रख दूं तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जीरो इक्वल एक्स माइनस सेवन अपान एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यह x एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस को कट करती है, इसलिए हमने वाई इक्वल टू जीरो लिखा है ना। तो वाई इक्वल टू जीरो के लिए, इस वाई इक्वल टू जीरो के लिए हम रिलेटेड क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए हमने वाई इक्वल टू जीरो को इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया, तो क्या मिल जाएगा अपने को, देखो देयरफॉर अपने को मिलेगा, इधर ट्रांसफर कर दिए तो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, नाउ एक्स इक्वल टू सेवन, तो ये वाई इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू सेवन, ये हमको टू पॉइंट्स मिल गए, उन बिंदुओं पर मतलब पॉइंट्स आर सेवन एंड जीरो। अब हम क्या करेंगे, सेवन एंड जीरो पर dy by dx का वैल्यू फाइंड करेंगे कि सेवन और जीरो पर dy by dx का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो एट सेवन एंड जीरो देयरफॉर एट सेवन जीरो, क्योंकि यहां पर हमने ये पॉइंट्स फाइंड किया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा dy by dx और ब्रैकेट में आप यहां पर लिखोगे 70, ये इसको लिखने का तरीका है, दैट मींस हम यहां पर x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो पीछे के पेज पर देखो आप, यहां पर जहां जहां x है वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, जहां पर x है वहां पर 7 अपने को रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपन, यहां पर इसको नेक्स्ट पेज में आपको यूज करना है तो यहीं से मैं आपको थोड़ा रुकिए, थोड़ा हम अपनी टेक्निक यहाँ अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हमको बार बार उसी पेज में जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो इसीलिए तो डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना आपके लिए, अपन नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं फ्रेंडली हो जाऊँगा, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप लोग को बुरा लगता है मुझे मालूम है, लेकिन आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है तो मेरे को भी टाइम चाहिए, आप लोग को भी। देखो अभी हमारा इक्वेशन यहीं पर है, हम नेक्स्ट पेज में जाते, या मान लो मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करते रहता तो नोट डाउन करो, इसको स्क्रीन शॉट लो, अब इरेज कर रहा हूँ बोलता, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको साइड में कर दिया, ओके। और हमारे सामने ये इक्वेशन लिखा हुआ भी, तो यहाँ पर वैल्यू को हम आसानी से यहाँ पुट अप कर सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर हम
चलिए अब हमने बोर्ड के उस पार्ट में ये जो वैल्यू है डी बाई डी एक्स उसका हम वाई और सेवन के लिए वैल्यू पुट अप करते हैं। क्लियर? तो 8.70 पॉइंट पर हम इसका वैल्यू फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स एट 7 and 0 इक्वल। क्वेश्चन क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7, एक्स का वैल्यू हमको 7 पुट करना है तो क्या हो जाएगा 7 square minus 5 into 7 plus 6 into 1 minus 7 और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 2 into 7 minus 5। ओके, और अपन नीचे में 7 square minus 5 into 7 plus 6 का होल स्क्वायर। दैट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 इक्वल टू क्या होगा देखो, इसको हम सॉल्व करें तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता, थोड़ा टेक्निक अप्लाई करता हूँ। 7 square minus 5 into 7 plus 6 और इंटू 1 1 होगा, यह 7 minus 7 0 होगा तो पूरा ये 0 हो गया, और अपान में 7 square minus 5 into 7 plus 6 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि कैंसल आउट हो रहा है ये। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 इक्वल 7 0 पर क्या हो जाएगा देखो, ये स्क्वायर है इसमें पावर 1 है, कैंसल आउट हो जाएगा और 1 के अपान में अपने को मिल जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 49 minus 35 plus 6, क्योंकि पावर 2 है पावर 1 है कैंसल आउट हो गया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 1 upon, ठीक है, 49 में अपन 35 पहले माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 1, तो 14 plus 6 डायरेक्ट लिखूं मैं इसको, ये कितना हो गया 20। क्लियर? 1 upon 20। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया किस पर, 7 0 पर, और हमको पॉइंट पता है ये 7 और 0, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये अपने पास फार्मूला होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पॉइंट को लिख भी देते हैं अपन क्या 7 0 पर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई का वैल्यू क्या है 0 इक्वल, इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 upon 20 और ये है एक्स माइनस इसका वैल्यू 7। दैट इंप्लाइज इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7, दैट इंप्लाइज एक्स माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से आप देखो x माइनस 20y माइनस 7 इज 0, ये है हमारा, एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, 20y माइनस x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा अलग ढंग से दिया हुआ है, मतलब एक ही है, उसने इस तरह से आंसर दिया है 20y माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0, मतलब एक ही है। वैसे जनरली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एनसीईआरटी वालों का भी कभी जवाब नहीं, इस फॉर्म में हम आंसर लिखते हैं, ये आंसर है। क्लियर? तो ये हुआ, और आप इस तरह से देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, ये जो मैंने इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ना, साथ में आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये जिस तरह से मैं बोर्ड को स्लाइड कर रहा हूँ तो आप परेशान मत होना। ये हुआ पार्ट, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट मैंने यहीं पर यूज़ किया, ये क्लियर, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन बताया ये। ओके, तो ये है हमारा आंसर। चलिए
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए अब आप लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी हो गई, हमारा टाइम भी बचेगा। पहले मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करते रहता था, ये आप लोग को बहुत बार पता भी नहीं चल पाता था कि कौन सा क्वेश्चन है। खासकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन पढ़ाता हूँ मैं मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर दिक्कत था। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ना, तो इससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब टी एंड वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब टी वेयर टी इक्वल टू पाई बाई टू। वक्र वाई इक्वल टू टी के एक बिंदु पर जहां टी इक्वल टू पाई बाई टू है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये मिस प्रिंट है ना, एक मत ध्यान देना। तो ये है हमारा क्वेश्चन, क्लियर? मजा आ रहा होगा ना आप लोग को पढ़ने, मुझे पता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे सामने स्टेटमेंट ना लिखा हो बोर्ड में और हम उस पर डिस्कस करें तो मुझे भी खुद अजीब लगता है। बार बार बुक से रीडिंग करो, फिर देखो, फिर बुक से रीडिंग करो, तो इसी सब के लिए थोड़ा डिले हो रहा था, ठीक है। अब आप बहुत स्पीड से आपका क्लास चलेगा। मैं आप लोगों के इतने कमेंट्स पढ़ा हूँ, मुझे भी अफसोस होता है कि सर इतने दिन हो गए और मैथमेटिक्स का क्लास डिले है। मैं मानता हूँ फिजिक्स में इसका ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हमने अपने सिस्टम को एडवांस कर लिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय से पहले हम कोर्स को पूरा कर सकें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, मतलब जल्दी जल्दी उसको प्रैक्टिस भी करोगे, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट पढ़ा दिया आप कुछ नहीं कर रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। टेंजेंट वाले क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप dy बाई dx फाइंड करोगे तो नेचुरली आप देखो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। चूँकि x इक्वल ए साइन क्यूब टी ये है और y इक्वल टू, यहीं पर मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ, और y इक्वल टू ए सॉरी b b cos क्यूब टी ये है, तो हमको चाहिए dy by dx। तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पीछे से पता होगा, पीछे हमने डिफरेंशिएशन में आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस कंडीशन में हो तो हम उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ से देयरफॉर हम इसको फाइंड करते हैं dx by dt, और dx by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dt ऑफ a साइन क्यूब टी। देयरफॉर dy by dt इक्वल, यहाँ a कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर दिया, और साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको x सपोज करके करोगे तो वो हो जाएगा क्यूब का आ जाएगा सामने 3, ठीक है, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा साइन टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन का कॉस टी। इस तरह से चैन रूल समझ में आया ना, क्या किया मैंने, एक कांस्टेंट है बाहर कर दिया, इसको स्क्वायर सपोज करके तो 3x स्क्वायर, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन साइन टी का तो कॉस टी हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर dy by dt इक्वल dy dt ऑफ cos क्यूब t दैट इक्वल b ना, b cos क्यूब, b को मैं बाहर कर दिया तो हो जाएगा cos 3 सामने आएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का माइनस साइन टी, तो साइन को मैंने ओ बड़ा हो गया ये दिक्कत है इसमें ना, थोड़ा सा dy by dt इक्वल टू क्या होगा, सामने माइनस लिख दिया और ये b लिख दिया और ये 3 cos, क्लियर यहां तक। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए dy by dx, therefore dy by dx इक्वल क्या होगा, dy by dx हम क्या लिख सकते हैं फिर, dy by dt upon dx by dt लिख सकते हैं, ये सब पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। मतलब dy by dt में यदि हम dx by dt को डिवाइड करें तो हमको मिल जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है अपने पास, ये इसको मैं लिख रहा हूँ 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन यह है माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी और इंटू साइन टी। अब इसको यहां पर हम सॉल्व कर लें, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहां पर क्या होगा, किसके साथ कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, एक साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और कास एक कास के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ऊपर से बचा ए साइन टी अपान ये वाला कास टी एक बचा हुआ है तो टेन टी, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस ए अपान बी ये हो जाएगा टेन टी साइन टी अपन कास टी, क्लियर। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है जहां t इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब हमको एट पाई बाई टू पर हमको फाइंड करने के लिए बोला है, तो सिंस t इक्वल टू पाई बाई टू हमको पता है, तो देयर फॉर इसका वैल्यू हम वहां पर फाइंड कर लेंगे डी एक्स वाई डी टी एट पाई बाई टू दैट इक्वल माइनस ए अपॉन बी और ये हो जाएगा टेन पाई बाई टू, टेन नाइन्टी डिग्री कितना होता है, साइन 90 अपन कास 90 दैट मीन्स 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 90 ही दिया ना, 10 ही आया ना यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं कर ली, इन्फिनिटी आ रहा है दैट मीन्स इसका वैल्यू ठीक, कोई बात नहीं, दैट इक्वल ये हो गया इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, 1090 इन्फिनिटी होता है, इक्वेशन इसका जीरो आने वाला है फिर, चलिए ठीक है। अब देखो हमको पता है कि x का पॉइंट ये है और y का पॉइंट ये है, तो एट t इक्वल टू पाई बाई टू इसको हमने x1 सपोज कर लिया, तो x1 इक्वल a साइन क्यूब और t का वैल्यू पाई बाई टू दैट इक्वल a साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 तो हो गया a, एंड y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y2 करेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे b cos क्यूब पाई बाई टू और cos पाई बाई टू जीरो होता है तो जीरो हो गया, तो पॉइंट अपने को क्या मिल गया, a जीरो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन का फार्मूला होता है अपने पास y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देयरफॉर y माइनस वाई वन है ना, ये वाई वन जीरो है और एक्स वन ए जीरो इक्वल डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस ए, आंसर क्या है इसका, एक सेकंड, आंसर उत्पटांग आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो, मेरे को डाउट हो रहा था थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए कि अपन डिवाइड करने में, डी वाई बाई डी टी, ओ डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये है,
और dx dx by dt है। यहां पर मैंने लिया है dx by dt और यहां पर लिख दिया dy by dt, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो गया। चलो यहां पर मैं करेक्ट करता हूं, एक मिनट ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पोर्शन को। तभी मैं सोचा इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए था उसका आंसर, एक्चुअल में उसको जीरो आना था। यहां पर मैंने क्या कर दिया, चलिए करेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ध्यान दिया हुआ करते समय, लेकिन मैं क्या है उसको यहां पर लिखा हूं dx by dt, आगे लिख दिया dy by dt। ये है dx by dt और ये है dy by dt, क्लियर। यहां से हम निकालते हैं, वो कलर कलेक्ट करने के चक्कर में मेरा ध्यान इधर हो गया। चलो अब इसको मैं लिखता हूं dy by dx, इसको हम क्या लिखेंगे, dy by dt अपॉन dx by dt इक्वल, यहीं पर लिख रहा हूं ना इसको मैं। यहां पर आप इसके साथ में मिक्सअप मत होना, ये मैं लाइन ड्रा कर देता हूं उसके लिए, ये अलग से निकाल रहा हूं मैं, क्या बाद में मिक्सअप हो जाने का डर रहता है। dy by dt का वैल्यू ये है माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन टी अपान ये 3a साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी, ठीक उल्टा हो गया था उसका वैल्यू। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर कैंसल आउट करा रहा हूँ, ध्यान दो, 3 के साथ साइन इसके एक साइन के साथ काट इसके एक काट अपान साइन आएगा यहाँ पर, और दैट इक्वल इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए काट टी, और मैं ले आया था टेन टी, इसी जैसा प्रॉब्लम हुआ। ये होगा काट टी काट टी, ये हो जाएगा काट पाई बाई टू। फैसिलिटी अच्छी है बोर्ड में है ना, फटाफट हमने करेक्शन कर लिया वहीं पर, और ये काट ये जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा इस तरह से। अदरवाइज आगे जो मैं बता रहा था उसका तो सेंस ही गड़बड़ हो गया था ना, क्लियर यहाँ तक। फिर इसका वैल्यू जीरो आएगा और हम इसका वैल्यू को पुट करें यहाँ पर तो ये जीरो होगा। जीरो जीरो का इसके साथ में मल्टीप्लाई होके देयरफॉर वाई इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर होगा, क्लियर। आंसर इसका वाई इक्वल टू जीरो, ओके, वाई इक्वल टू जीरो इज फाइनल आंसर। तो ध्यान देना यहां पर मैंने, आपको समझ में आ गया ना क्या किया था, ये धोखे से मैं इसको डी वाई बाई डी टी लिखा, उसका पूरा सेंस ही बदल गया था वहां पर। तो ये माइनस बी अपॉन ए काट टी आएगा, फिर हमने क्या किया पाई बाई टू पर इसका वैल्यू फाइंड किया, ये dy by dx का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर दोनों पॉइंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उस पॉइंट पर इक्वेशन फाइंड करने के लिए उस पॉइंट को पुट अप कर देते हैं, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखो आप, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है यहाँ पर, पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जहाँ पर वो एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। मीडियम वाइज अब आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत आसानी से पैरेलल इसको पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट दोनों लैंग्वेज में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के लिए उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करना है जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। एक्स अक्ष के पैरेलल होता है तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। एक्स अक्ष के पैरेलल मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये सब प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। मैं स्टार्टिंग में जब आपको पहला वीडियो आपने देखा होगा टेंजेंट का, तो वहां पर ये सभी चीजों को एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि एक्स अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा। तो एक्स अक्ष के समांतर है मतलब क्या होगा, वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये हमारे पास कर्व का इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है।
आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। देखो, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमको पता है। माइनस थ्री इक्वल जीरो। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करके डीवाई बाई डीएक्स फाइंड करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। दैट इम्प्लाई इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये होगा टू और इसका जीरो इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, सब उधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू और अपान में डिवाइड हो जाएगा टू वाई। दैट इक्वल टू कॉमन करके कैंसिल कर लें तो माइनस एक्स प्लस टू अपान वाई, ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष के समांतर होता है मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होता है जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फिर चूँकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आप लिख देना क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, तो देयर फॉर यह हो गया माइनस एक्स प्लस टू अपॉन वाई इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, देयर फॉर एक्स इक्वल टू टू, ये एक्स का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। अब जब एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक्स का वैल्यू को हमारा मेन इक्वेशन में पुट अप कर दो। सपोज इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दिया तो देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में हम एक्स का वैल्यू पुट अप कर दें टू, ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज टू इंटू टू फोर, ये भी फोर, ये दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ में कैंसल आउट हो गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा अपने को माइनस थ्री। देयर फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर जाके थ्री और देयर फोर वाई इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो ये हमको एक्स का दो वैल्यू मिला, एक्स का वैल्यू एक मिला टू और वाई के टू वैल्यूज मिल गए प्लस माइनस थ्री, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है। अब यहाँ पर देखो इस वैल्यू को पुट अप करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जीरो, ये टू और ये वाई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो लगभग सब क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, बस आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना होता है कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देयर फॉर वाई माइनस, क्या अपने पास वाई वन का वैल्यू प्लस माइनस थ्री, दोनों को लिख सकते हैं एक साथ कंबाइन, ये तो टू है, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस थ्री ना और टू थ्री इक्वल, ये तो यहाँ पर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो, तो पूरा काम खत्म हो गया, डी वाई बाई जीरो है, ये हो गया जीरो और इंटू एक्स माइनस टू, ये जीरो हो गया, देयर फोर वाई इक्वल प्लस माइनस थ्री इज फाइनल आंसर। एक बार आंसर टेली करते हुए चलते हैं, कई बार क्या है मिस्टेक हो जाता है कहीं पर तो फिर पकड़ में नहीं आता ना। इसका आंसर है अच्छा, हमको क्वेश्चन, हम तो इक्वेशन निकाल दिए, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉइंट्स, पॉइंट्स पूछा है ना।
सॉरी पॉइंट्स पूछा है, मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान नहीं दिया, फटाफट इक्वेशन निकाल दिया। उन बिंदुओं को स्पर्शरेखा का समीकरण ही तो ज्ञात करने बोला है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात किए जहां पर ये उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात किए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन कैसे गड़बड़ दिया, अरे यहां पर क्या कर लिया मैं, मेरा भी टू को कॉमन करा के कैंसिल कराया हूं मैं, टू को कॉमन करा के यहां पर मैं कैंसिल कराया हूं, तो टू को कॉमन करा के कैंसिल कराने से हमको यहां पर वन मिलेगा ना। टू कॉमन किया तो ये वन, जीरो, वन, माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। थोड़ी सी लापरवाही, यहां पर टू को कॉमन कराया और वन लिख दिया, टू लिख दिया, एक्स इक्वल टू वन है, एक्स का वैल्यू हमको वन पुट करना है। आंसर कैसे गलत दिया है इसमें, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए बोलता है ना। एक्स अक्ष के समांतर है, फाइंड द पॉइंट्स। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का ट्रांसलेशन में कितना दिक्कत होता है देखो, वो अच्छा है कि हम उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। एक मिनट इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं भी आपको क्वेश्चन, तभी मैं भी कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं। इंग्लिश वर्जन परफेक्ट होता है, देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट्स। हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैंने लिखा है जहां से भी, फाइंड द पॉइंट्स, तभी मैं पॉइंट्स फाइंड करना है, इसमें इक्वेशन नहीं फाइंड करना है। वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वह एक्स अक्ष के समांतर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स स्क्वायर एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू, ये जहां पर एक्स के समांतर है। तो वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श का समीकरण ज्ञात करनी होगा, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि उन बिंदुओं ये रंग वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द दिस एट विच द टेंजेंट्स, जहां पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण, वर्ड आगे पीछे हो गया है, वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण। तो ध्यान देना इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम परफेक्ट है, यह सही है। फाइंड द पॉइंट्स और इसी को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो मैं ध्यान में रख के पूरा प्रोसेस को उल्टा कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत रहता है, क्लियर। चलो आप हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर ना, चलिए बात तो क्लियर हो गई, ध्यान से सुनना। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ऐसा होना चाहिए। ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इंग्लिश परफेक्ट है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जनरली क्या मैं इंग्लिश मीडियम कोई प्रीफर करता हूँ उसी के बेस पर हिंदी में ट्रांसलेशन, ये गड़बड़ हो गया। चलो बाकी तो समझ गए आप। तो यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू वन हुआ, एक्स इक्वल टू वन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे, किसके, वाई के। देयर फॉर फ्रॉम, बाकी प्रोसेस वैसे ही है। देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट मैक्स का वैल्यू पुट कर दो, वन स्क्वायर प्लस, ये तो मैं टू भी लिख लिया था इसको, वाई स्क्वायर। हर बार क्वेश्चन का आंसर टेली करना बहुत जरूरी है, आप लोग भी जब सॉल्व करते हो तो आंसर जरूर टेली कर लिया करो, क्योंकि आंसर टेली नहीं करने से क्या होता है,
कभी हम गलत होते हैं या कहीं मिसप्रिंट होता है, वो फिर समझ में नहीं आता, हम वैसे ही बना के निकल जाते हैं। इसलिए फाइनली आंसर उसको टैली करना ही है। ये हो गया, दैट इम्प्लाइज, आगे इसको सॉल्व करो तो ये वन, ये टू हो जाएगा, है ना। अब आंसर दूसरा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर वन ए माइनस फाइव, ये हो जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस फाइव में से वन होगा तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो, देयर फोर वाई इक्वल प्लस माइनस टू। क्लियर? तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो देयर फोर पॉइंट्स, अब पॉइंट्स यहीं पर आ जाएगा, देयर फोर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हमको पूछा है, तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे देखो, इसके बाद प्लस टू को लेंगे तो टू वन, प्लस टू और वन, एंड एक्स को पहले लिखेंगे ना, वन टू एंड वन माइनस टू, वन टू वन माइनस टू, क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर यही दिया है वन टू और वन माइनस टू, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस। ओके, मान लो इसमें, चलो बना ही रहे हैं तो मान लो इसमें हमको इक्वेशन पूछ देता, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ देता, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो जीरो है, तो चलो हम इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमको दो पॉइंट मिल गया, सबसे पहले वो भी निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं मैं इसको, एट वन टू, वन टू पर दो पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन उसका, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन मतलब टू, वाई वन का वैल्यू टू है, इक्वल डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है दोनों कंडीशन में, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, क्या है अपने पास वन, तो देयर फोर वाई इक्वल टू टू, यही निकाला था मैं, एक आंसर ये हो जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता, पॉइंट्स पूछा तो वहां तक खत्म, लेकिन क्वेश्चन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसका इक्वेशन फाइंड करना है मान लो, तो एक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट एट वन माइनस टू, तो एट माइनस टू पर अपन फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा वाई प्लस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू, या तो जीरो हो गया एक्स माइनस वन, तो देयर फोर वाई इक्वल टू माइनस टू, तो दो आंसर इसके आएंगे यदि हमको पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन आगे एक्सटेंड भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं पॉइंट से पूछे। और देखो वाई इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू माइनस टू, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैच कराओ कि वो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, देखो एक्स अक्ष के समांतर है, क्योंकि दोनों जो लाइन आप निकाले हो y इक्वल टू टू और y इक्वल टू माइनस टू, दोनों x अक्ष के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर मैं इसको ये मिटा देता हूँ, आप समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं और फाइंड द पॉइंट्स एंड आल्सो इट्स इक्वेशन, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स तीन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा,
और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके थैंक यू। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है अपने को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। सो दैट माने हमको प्रूफ करना है, द टेंजेंट ऑफ कर्व, इस कर्व का जो टेंजेंट है एट पॉइंट दिस एंड दिस, देखो पॉइंट इसमें पहले से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पॉइंट पहले से दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं क्या है? पैरेलल है, प्रूफ करना है, जहां x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। मतलब हमको प्रूफ करना है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल कब कब होते हैं? दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों की प्रवणताएं, दोनों का ग्रेडियंट क्या हो? इक्वल हो। दैट मींस m1 इक्वल टू m2। आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन है बहुत आसान। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल 7x³ + 11। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करो। नाउ डिफ्रेंशिएट, यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ 7x³ + 11। ये हो जाएगा therefore dy by dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 x² और 11 का क्या हो गया? 0। ये हो जाएगा, ये हो गया dy by dx। अब हमको फाइंड करना है क्या? पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, यही है ना दोनों पॉइंट्स पर। तो दोनों पॉइंट पर अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। therefore at point x इक्वल टू 2, तो therefore dy by dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 × 2 का स्क्वायर, दैट इक्वल टू हो जाएगा 21 × 4, दैट मीन्स 84। ये हो गया 84। तो dy by dx किस पॉइंट पर? एट पॉइंट x इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करते हैं किस पर? -2 पर। अगेन dy by dx एट पॉइंट x इक्वल टू -2, therefore dy by dx एट -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 और -2 का स्क्वायर, दैट इक्वल 21 × 4, दैट इक्वल दिस इज आल्सो 84। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मान लो मैंने रिलेशन नंबर फर्स्ट कर दिया, ये कहाँ पर है? ये है x इक्वल टू 2 पर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट से देखो क्या है इसका वैल्यू, वहां से dy by dx एट x इक्वल टू 2 इक्वल dy by dx एट x इक्वल टू माइनस, बोथ आर 84। और चूंकि हमको पता है कि जब m1 m2 के इक्वल हो जाता है, m1 इक्वल m2 जब दोनों का ग्रेडियंट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, तो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन क्या होगा? पैरेलल हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। लाइन क्या हो गया? समांतर हो गया। दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान है बहुत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² - 2x + 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। दो लाइन, एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है इसके लंबवत। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दो पार्ट में है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। आप एक बार स्टेटमेंट को आपको रिपीट करता हूँ कि हम एक कर्व का इक्वेशन है हमारे पास, और वो जो कर्व है
वो इस लाइन के पैरेलल है एक बार, समांतर है, और इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों कंडीशन में हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों कंडीशन में दो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके पैरेलल वाले कंडीशन के साथ में अप्लाई करेंगे, फिर परपेंडिकुलर वाले कंडीशन के साथ में। तो पैरेलल होता है, तो यहीं पर आपको मैं हिंट कर दूं, जब पैरेलल होता है तो एम वन क्या होता है, एम टू के इक्वल होता है, दोनों की प्रवणताएं, और जब परपेंडिकुलर होता है तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन। समांतर होता है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं, और लंबवत होने के कंडीशन में दोनों के प्रवणता का गुणनफल माइनस वन के इक्वल होता है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चूंकि हमारा कर्व का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इज सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड कर देते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएट, अवकलन करने पर यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 हो गया, इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से हमको मिल जाएगा डी वाई, ओ कर्व का इक्वेशन तो सॉरी कर्व का इक्वेशन तो ये है ना, ये तो क्या है, रेखा का इक्वेशन है 2x माइनस 1 प्लस, ये बाद में निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन निकालेंगे, सबसे पहले उस कर्व का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर बारी बारी दोनों का। ये भी निकालना सही था, लेकिन स्टेप आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले चूंकि इक्वेशन ऑफ कर्व, सिंस यहाँ पर लिख ही देता हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन अपने पास क्या है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये क्लियर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, वो 7 हो गया। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो समीकरण नंबर एक। इसका ग्रेडियंट निकल गया, क्योंकि dy वाई बाई डी एक्स ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट माने प्रवणता। अब पहले कंडीशन के लिए हम सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई, जो मैं पहले कर रहा था, इक्वल टू 0। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट, इसका अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया। देयरफॉर dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया सपोज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइन क्या है, पैरेलल है, तो एक का ग्रेडियंट यह है अपने पास, एक का ग्रेडियंट यह है और दूसरे का ग्रेडियंट यह है। तो सिंस लाइन्स आर पैरेलल, सिंस लाइन के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है, तो उस कंडीशन में m1 क्या होता है, m2 के इक्वल होता है, m1 m2 के इक्वल होता है। देयरफॉर ये हो जाएगा 2x माइनस 2, इसका ग्रेडियंट है कर्व का, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है 2, तो ये हो गया 2। देयरफॉर यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 हो गया। देयरफॉर जब x का वैल्यू 2 निकलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, y का भी वैल्यू निकालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो x का वैल्यू 2 रखें कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए डायरेक्ट लिखता हूं मैं, देयरफॉर इस इक्वेशन में यहां पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो y इक्वल एक्स का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है ना, ठीक से लिखा नहीं, कंफ्यूज मत होना आप, ये स्क्वायर है, तो 2 का वैल्यू आया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, दैट इक्वल 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 7, तो y का वैल्यू 7 निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पहले कंडीशन के लिए। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स है 2,
सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स है अपने पास, एक्स है अपने पास, वाई है अपने पास, टू और सेवन। तो टू और सेवन पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन हो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एट, लिख देता हूं पॉइंट को एट, क्या है टू एंड सेवन ना, टू एंड सेवन। y माइनस सेवन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वो भी टू है, डी वाई बाई डी एक्स यह भी टू है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो गया टू और ये हो जाएगा x माइनस टू। दैट इंप्लाइज x माइनस सेवन इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, दैट इंप्लाइज क्या हो जाता है, y दैट इंप्लाइज इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 2x माइनस वाई ये उधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट, क्लियर, ये पहला आंसर हो गया। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके 5y माइनस 15x के लंबवत है, तो लाइन के इक्वेशन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। देयरफॉर अब इसका डिफरेंशिएट करो, वही काम अब रिपीट करना है, कुछ नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स ऑफ 5y माइनस 15x इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 13, लिख दिया दोनों तरफ। देयरफॉर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया माइनस 15 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 15 अपॉन 5, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब जब डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स के बाद हम क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट हमको पता है, तो चूंकि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल का देखे थे, देयरफॉर एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। यहाँ से देखो, देखिए लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर है, पहले हमने पैरेलल देखा था, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में एम वन एम टू का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन होता है। अब यहाँ पर आप देखो, ये परपेंडिकुलर है, तो पहले m1 ना, ये m1 ये हमने सपोज कर लिया dy by dx, और m2 हमने निकाला यहाँ पर, ये m2 है जो स्ट्रेट लाइन का, हमने स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकाला है, ये क्या है एक्चुअल में m2 है, तो m2 का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, देयर फोर ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ये आप याद रखना, आगे हमको इसको वैल्यू को पुटअप करना है। बट अपने को पता है कि हमने पीछे से निकाला है, यहाँ से हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पीछे से आप देखो dy by dx का जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, dy by dx का वैल्यू है वो कितना आया हुआ है, पेज फर्स्ट से देखो, ये dy by dx है 2x माइनस टू, 2x माइनस टू क्या है, dy by dx का वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम वहां पर पुट अप कर देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर इसका वैल्यू है 2x माइनस टू, 2x माइनस टू यहाँ से 2x
माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू माइनस वन, दैट इम्प्लाइज सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल माइनस वन, देयर फोर एक्स इक्वल ये फाइव हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स, ये होगा x का वैल्यू 5 अपॉन 6। अब इस x के वैल्यू के लिए हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन अपना क्या है, ये इक्वेशन है 5x माइनस 15x इक्वल टू 13। तो इसके लिए हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देयर फोर 5 इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जो कर्व का इक्वेशन है, क्योंकि उस कर्व का टेंजेंट हमको फाइंड करना है। तो कर्व का इक्वेशन क्या है अपने पास, देखो ये बहुत सारे इक्वेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन। तो यहां पर हमने x का वैल्यू फाइंड किया 5/6, इसके लिए हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा ये 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 प्लस 7, दैट इम्प्लाइज y इक्वल 25/36 माइनस 10/36 प्लस 7, देयरफॉर y इक्वल यहाँ पर हम एलसीएम कर लेंगे 36, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 तो हो गया 60 और प्लस ये 2 और 252 हो गया, therefore y इक्वल 25 माइनस 60 ठीक है, तो ये हो गया 35 को ऐड कर दें 35 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 217/36 ये होगा y का वैल्यू। ये dy by dx है, ये x है और ये y है। इतना फाइंड होने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ ये वैल्यू यहां पर रखा हूं और अब अपन निकालते हैं इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू इतना है 217 अपॉन 36 इक्वल dy by dx का वैल्यू है माइनस 1/3, ये हो गया माइनस 1/3 और x माइनस x का वैल्यू है 5/6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, दैट इम्प्लाइज सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका लेंदी क्वेश्चन तो है, इसको आगे देखो चलो, या इसी फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं 217/36 इक्वल इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस, या मैं 3 को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, 3 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको 3y माइनस 217 इंटू 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ठीक है, और ये 12 3 मल्टीप्लाई होगा और इसको मैं कैंसिल, 12 3 36 तो अपान में 12 कर दिया इक्वल माइनस एक्स प्लस 5/6, दैट इम्प्लाइज एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स प्लस 3y माइनस 217/12 और माइनस 5/6 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस 3y और सिंप्लीफाई कर दें इसको, माइनस को मैं कॉमन कर लिया यहाँ से तो 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आने के बाद क्या हो जाएगा ये 217 माइनस कॉमन हो चुका है और प्लस ये हो जाएगा 6 × 12 5 × 10, देयरफॉर एक्स प्लस 3y माइनस 10 माइनस कर दो तो 207/12 इक्वल टू 0।
12 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। देखें एनसीईआरटी वाले क्या आंसर देते हैं। इन्होंने आंसर दिया है, कहाँ है आंसर इसका, 227 पर ये ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, मिटाई दूं इतने को, ऐड हो रहा है 227 अपॉन 12 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में आंसर लिखो या 12 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, किसी एक के साथ में आएगा। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर दूं, यहाँ पर देखो जो इस पेज में मैंने बताया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पॉइंट पर, यह पहला आंसर हुआ। इसके बाद फिर आप देखो सेकंड में, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट कर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड किया जो कि एम टू है, चूंकि लाइन परपेंडिकुलर एम वन इंटू माइनस वन होगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा थ्री का, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई थ्री होगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम पहले निकाल कर रखें कर्व का, उसको पुटअप करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम उसके वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कलेक्शन आपको बताया। इतने क्वेश्चन करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे बहुत आसानी से बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नॉर्मल्स, मतलब ये था स्पर्श रेखा, अब पढ़ेंगे क्या अभिलंब, दो पार्ट में मैंने बोला था पढ़ेंगे, पहले टेंजेंट पढ़ेंगे फिर नॉर्मल्स। तो नेक्स्ट क्लास हमारा नॉर्मल पर होगा, और नॉर्मल के जितने क्वेश्चन हैं टेंजेंट के जैसे ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा आप इसको अच्छे से तैयारी करिए, वो बहुत आसानी समझ में आएगा। ओके ओके, थैंक यू।